हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेरा कलेक्शन से मैं खुद कलेक्ट किया टायर रोटेशन एरर सिक्का दिखाने वाला हूं, अलग अलग डिनोमिनेशंस का और अलग अलग मेटल्स में जारी किया गया सिक्काओं के बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं और क्लियरली दिखाता हूं। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहता हूं, स्पेसिफिक वजन और स्पेसिफिक थिकनेस से स्पेसिफिक मेटल में प्लांचेट्स पहले कटा जाता है और उसके बाद एवर्स और रिवर्स दो अलग अलग डाइस लेके हमको एक सिक्का पे मारता है, उसके बाद वो एक ठीक ठाक सिक्का बन के बाहर आता है। एग्जैक्ट पोजीशन में जारी किया गया सिक्का हम सब देखा होगा, पर डायर रोटेशन सिक्का हमको बहुत रेयरली नजर आता है। और ऐसा सिक्काओं के बारे में जानने के लिए पहले से कॉइन्स का अलाइनमेंट जानना बहुत जरूरत होता है। और ऐसा कॉइन का अलाइनमेंट क्या है, भारत का कैसे रहता है, फॉरेन का कैसे रहता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, एंड में क्लिकेबल आइकॉन दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकता है। और कॉइन अलाइनमेंट जाने से हमको डायर रोटेशन एरर्स पकड़ना बहुत आसान होता है। और ये 50 पैसा देखिए दोस्तों, एक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील 50 पैसा डेफिनेटिव सिक्का है, 1988 में जारी किया गया सिक्का है। ये सिक्का कुछ खास नहीं, ठीक ठाक जारी किया गया सिक्का ऐसा नजर आता है। मैं आप लोगों को अभी 6 o'clock डायर रोटेशन एरर से निकला हुआ मेरा कलेक्शन में मैं खुद कलेक्ट किया गया 50 पैसा दिखा रहा हूँ। एक बार आप देख सकते हैं, एवर्स में ठीक पोजीशन में पकड़ के मैं घुमाया हूँ, रिवर्स पूरा उल्टा नजर आ रहा है। ऐसा डायर रोटेशन को हम 6 o'clock एरर कहते हैं। और नीचे और एक एरर भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा रहता है, हिंदी में भारत नहीं है। शायद डाई फिलिंग एरर भी आया, इसमें दो एरर्स आया दोस्तों। ये सिक्का का नाम ऐसा सिक्का है, नेशनल ऑक्शन में 2500 से 3000 में एक्शन में चला गया दोस्तों, मैं खुद देखा ऑनलाइन में। और ये 5 रुपये का कॉपर निकल सिक्का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक ठाक पोजीशन में जारी किया तो हमको ऐसा नजर आता है एवर्स और रिवर्स। अब ये सिक्का देखिए दोस्तों, अभी एवर्स ठीक पोजीशन में मैं पकड़ कर फ्लिप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं रिवर्स पूरा उल्टा नजर आ रहा है हमको, मतलब एक ओपन निकल में 6 o'clock डायर रोटेशन एरर कहता है। एक 2001 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया सिक्का, और ये सिक्का का ऊपर छिलका भी निकल गया, एक मेटल शिपिंग एरर भी पड़ा है। रेगुलर सिक्का ठीक पोजीशन में रख के मैं फ्लिप करके रखा हूँ, राइट साइड सिक्का जैसा रहना है, पर लेफ्ट साइड सिक्का हमको रिवर्स नजर आता है। अब रिवर्स प्रॉपर पोजीशन में रख के हम फ्लिप किया तो एवर्स हमको रिवर्स नजर आता है। और ऐसा 6 o'clock एरर का कॉस्ट हमको कोपा निकल में 800 से लेके 1500 तक रहता है दोस्तों। और कोलकाता मिंट छोड़ के कुछ भी सिक्का हमको एडिशनल वैल्यू रहता है सिक्का का, डायनी मिंट पे डिपेंड करता है। और रेयर और स्केयर कमेमोरेटिव कॉइन्स में आया तो और भी ज़्यादा रहता है। और ये 5 रुपये डेफिनेटिव सिक्का देखिए, ये 5 o'clock डायर रोटेशन एरर आया दोस्तों, रिवर्स साइड, मतलब एवर्स में ठीक पोजीशन में पकड़ा हूँ, अभी रिवर्स उल्टा नजर आता है। अगर रिवर्स ठीक पोजीशन में पकड़ के घुमाने से एवर्स 5 o'clock एरर इससे नजर आता है। अब ये और एक सिक्का दिखा रहा हूँ मैं, ये 11 o'clock एरर है दोस्तों डायर रोटेशन में 5 o'clock से लेके हमको 10 o'clock तक डायर रोटेशन एरर्स का थोड़ा खास वैल्यू रहता है। और मिंट तो कोलकाता मिंट छोड़ के बाकी सिक्काओं का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है, अगर नोएडा मिंट का मिला तो बहुत स्केयर कॉइन होता है दोस्तों। ये सब सिक्काओं का कॉस्ट, सिक्काओं का मिंट और सिक्काओं का टाइप, मतलब डेफिनेटिव या कमेमोरेटिव पे डिपेंड करता है, और डाई रोटेशन पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। ये सिक्का हमको देखिए, ये रेगुलर एवर्स में ठीक पोजीशन पकड़ के फ्लिप किया हूँ, देख सकता है ये 11 o'clock एरर है, पहले मैं 10 o'clock एरर दिखाया हूँ, अब ये 11 o'clock एरर है। ऐसा अलग अलग डायरेक्शंस में डाइस घूम जाता रहता है। ये सब डाई रोटेशन कॉपर निकल एरर्स 5 रुपये का सिक्का है मेरा कलेक्शन से। मैं अभी आप लोगों को 1 रुपी कॉपर निकल छोटा 1 रुपये डेफिनेट वो सिक्का दिखा रहा हूँ। ये सिक्का पे मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, इसका डायर रोटेशन पोजीशन हम देखने से 6 to 7 के बीच में रहता है पोजीशन एग्जैक्टली कहना तो। और ये सिक्का का कॉस्ट अभी 1200 से 1500 तक रहता है, ये भी 1986 में आया और कोलकाता मिंट से, आप देख सकते हैं दोस्तों एक नए 1 पैसा से लेके हमको 50 पैसा तक कुछ भी सिक्का में डायर रोटेशन मिला तो बहुत खास है। ऐसा सिक्काओं का दाम
1800 से लेके 3000 तक रहता है, डिपेंड्स अपॉन मिंट एंड सिक्का कंडीशन पे डिपेंड करता है कॉस्ट। कमेमोरेटिव में सिक्का में आया तो ऐसा डेरोटेशन को और भी एडिशनल ज़्यादा वैल्यू मिलता है। अभी मैं रिवर्स टी पोजिशन में पकड़ के घुमाया हूँ, एवर्स घूम गए जैसा हमको नज़र आ रहा है, देख सकता है। ऐसा डेरोटेशन जल्दी मिलता नहीं दोस्तों, बहुत रेयरली हमको नज़र आता रहता है। मैंने ऐसा कुछ अलग अलग डिनोमिनेशंस में कोशिश किया हूँ, अभी अब तक मैं 50 पैसा और 5 रुपीज़ कॉपर निकल दिखाया हूँ और 1 रुपये कॉपर निकल दिखाया हूँ। ये निकल ब्रास का रेगुलर सिक्का मैं दिखा रहा हूँ, डेफिनेटिव सिक्का ठीक पोजीशन में जारी किया तो हमको ऐसा नज़र आता है। मैं अभी आप लोगों को 2017 का हैदराबाद में डेफिनेटिव सिक्का दिखा रहा हूँ, रिवर्स टीक पोजिशन में मैं पकड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसा डायरोटेशन में नोएडा मिंट का मिला तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है। नोएडा मिंट में आया हुआ सिक्का मैं एक बार ढूंढिया, वो कुछ भी मेटल का हो, कुछ भी टाइप का, मतलब डेफिनेट हो सकता है या फिर कमेमोरेटिव भी हो सकता है। और ये सिक्का हम फ्लिप किया तो आप देख सकते हैं ये 10 o'clock एरर डायरोटेशन एरर दिखा रहा है। ये सिक्का मैं क्यों कॉइन होल्डर रखा कि ये थोड़ा यूएनसी कंडीशन में मिला मुझे। और ये सिक्का देखिए दोस्तों, ये भी और एक डेफिनेट वो निकल रहा सिक्का, ये 2011 का सिक्का है कोलकाता मिंट का, ये 3 o'clock डायरोटेशन है दोस्तों, देख सकता है। और ये 2009 और 10 में जारी किया गया कॉपरनिकल डाइस से आता है, ये डाइस थोड़ा अलग रहता है बाकी निकल रहा सिक्का में। ये डाई हमको 3 o'clock एरर दिखा रहा है। ऐसा निकल ब्रास में डायरोटेशन एरर्स का वैल्यू थोड़ा कंपैरेटिवली कॉपरनिकल से कम रहता है, आप देख सकते हैं। डेफिनेटली निकल ब्रास कॉइन्स में थोड़ा मेरे पास 3-4 टाइप का डायरोटेशन एरर्स पड़ा है। और मैं अभी आप लोगों को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का एरर्स दिखाने वाला हूँ। ये एक डेफिनेटू 1 रुपये सिक्का है, 2014 में हैदराबाद मिंट से जारी किया सिक्का है, देख सकते हैं। ये सिक्का हमको अभी मैं रिवर्स टीक पोजीशन में पकड़ के घुमा रहा हूँ, 2 o'clock एरर है दोस्तों, और देख सकते हैं एवर्स या रिवर्स एक साइड हम टीक पोजीशन में पकड़ने से दूसरे साइड हमको रोटेट होके नजर आता है। हम घड़ी देखता है जैसा नंबर्स का पोजीशन में ये डायरोटेशन एरर को हम कहता रहता है यूजुअली। और ये 2 रुपये सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का देख सकते हैं, 17 में हैदराबाद मिंट से जारी किया सिक्का, ये हमको 2 o'clock एरर है दोस्तों, 2 और 3 के बीच में पड़ा है। अब मैं एवर्स स्टिक पोजीशन में पकड़ के घुमा रहा हूँ, देख सकता है रिवर्स 3 o'clock हमको दिखा रहा है, नियर बाई 3 o'clock दोस्तों, एग्जैक्टली 3 o'clock कह सकते हैं। और ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्काओं का कास्ट थोड़ा कम रहता है कंपेरेटिवली दोस्तों। जानकारी अच्छा लगा तो ये वीडियो सबको शेयर कीजिए दोस्तों। आपके पास पड़ा हुआ डायरोटेशन एरर सिक्काओं का बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।